स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आपको पता है ना, आपके सारे क्वेश्चंस जो भी सीपीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन पर जो सही आंसर है उस पर ही राइट करना है। और स्टूडेंट्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप अंदाजे से उस क्वेश्चन का आंसर टिक करते हो और वो सही चला गया तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो गलत चला गया, आपने रॉन्ग आंसर पर भी राइट किया है, तो भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो प्लीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन अंदाजे से टिक मत करना, क्योंकि जो भी नेगेटिव मार्किंग होती है उनका असर राइट आंसर पर भी पड़ता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, डी पी इन पी एच स्टैंड फॉर। तो पहला ऑप्शन है आपका पोटेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन है आपका पॉलीमराइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका परसेप्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला, पोटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। सारी एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी लाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी फेरस सल्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, ड्यूटेरियम The oxide of which is also called heavy water is an isotope of which of the following elements? इसके ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब होगा आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मार्श गैस। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोपाइलीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड ड्रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, सफोकेशन इन क्लोज्ड रूम्स वुड कॉल और कॉक फायर्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, व्हाई डज द चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल्स नाइट्रोजन इनटू द प्लास्टिक बैग्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका टू प्रिवेंट चिप फ्रॉम ऑक्सीडेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट चिप फ्रॉम रिडक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज द साइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी
टू इंक्रीज द कॉस्ट? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट चिप फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल लाइज इन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? इसके ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी एस्टेटिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रोमाइन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रोमाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हेन अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड टू बी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका डीऑक्सीडाइज्ड, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा आपका रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बाकी लोगों को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एडुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।